वाराणसी अब बाढ़ की चपेट में है, जिसकी वजह से तटवर्ती क्षेत्र के लोगों की मुश्किलें काफी बढ़ चुकी है। हम आपको तस्वीरें नाव के माध्यम से दिखा रहे हैं कि देखिए, ये वाराणसी का नक्की घाट क्षेत्र है और घरों तक पानी पहुंच चुका है, जिसकी वजह से लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोग अपने परिवार के साथ सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए मजबूर हैं, नाव का सहारा ले रहे हैं, लेकिन ये मुश्किलें जो हैं वो कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। वजह ये है कि चाहे उनका आम जनजीवन हो, रोजगार हो, बच्चों की शिक्षा हो, सीधे सीधे सब कुछ प्रभावित हुआ है। वरुणा नदी का जलस्तर काफ़ी तेज गति से बढ़ा है, इसकी वजह से यह लोग जो है वो काफ़ी परेशान हैं। हम आपको एक तस्वीर और दिखा दें कि देखिए, कुछ लोग इंतज़ार में भी खड़े हुए हैं कि नाव आएगी, उसके माध्यम से वो लोग सुरक्षित स्थानों पर जाएंगे। और जो नाविक भाई हैं उनसे भी हम बात करेंगे। कितने लोगों को कल और आज में आपने रेस्क्यू किया है भाई साहब? अरे जब से पानी बढ़ा हुआ है कम से कम 4,000 लोगों को किए हैं। 4,000 लोगों को? हाँ। स्थिति क्या है, जहाँ जहाँ जा रहे हैं क्या है स्थिति? स्थिति क्या है, देखिए आप अपने सामने देखिए, इंतजार में नाव के खड़े हुए हैं, हैं यही एक का सहारा है नाव का, वरना सब रास्ता बंद है, घरों में पानी है, गली में पानी है, यही एक का रास्ता बचा हुआ है जो हाफ डाउन हो रहा है। तो आप देखिए कि ये जलकुंभी भी है और इसकी वजह से और भी ज़्यादा दिक्कतें हैं। देखिए, दूर तक घरों तक पानी पहुंच चुका है और जी वो सब जगह नाव नहीं जा पा रही है जलकुंभी के वजह से, जाके नाव फंस जा रही है, इसीलिए वो आदमी हटा बढ़ा के ऐसे वैसे हम लोग करके जा रहे हैं। लोगों घर में पानी है, दाना है, दूध है। 4,000 लोगों को आपने हाँ लिया है। तो ये देखिए, लोग इंतज़ार में खड़े हैं कि सुरक्षित स्थानों पर वो पहुंचेंगे और घरों तक पानी पहुंच चुका है। निश्चित ही इस मुश्किल घड़ी से कब तक लोगों को राहत मिलती है ये देखना होगा। एबीपी न्यूज़ के लिए वाराणसी से निशांत चतुर्वेदी। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.